21वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। उमंगों की तरंगे इस कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। ओम शांति लोगों के जीवन शैली को बदलता है, अनुराग ठाकुर ने ऐसा कहा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोगों में प्रेम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया है ओम शांति के द्वारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 21वीं वार्षिक महोत्सव है और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिरकत की है। हमारी ब्रह्म कुमारी की बहनें बैठी हैं, ये नहीं देखते कौन किस जाति धर्म संप्रदाय से आता है। आपको तो अध्यात्म के रूप में जोड़कर, अध्यात्मिक शक्ति देकर, एक परिवार के रूप में जोड़कर आपने काम किया। और मैं तो कहता हूं, जब एक माँ, एक बेटी, एक बहन, एक महिला ही एक परिवार को जोड़ने का और आगे बढ़ाने का काम करती है, और यहाँ तो सब बहनों के ही हाथ में सब कुछ दिया हुआ है, सारी जिम्मेदारी ही बहनों के पास है। जब बहनें ही लीड कर रही तो फिर तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है बिल्कुल ठीक दिशा में जाएंगे, सही दिशा में जाएंगे। और मैं तो वीडियो देख के हैरान हो गया, बोरी में बहने बैठ कर कूद रही है। आपने तो वहां जंप लगाने में भी किसी ने कोई कमी थी, फिर लंग पार को बढ़ाने के लिए बैलून में गुब्बारे में हवा भर रही, फिर उसी के साथ खेल रही। तो मेंटली और फिजिकली फिट रहने के लिए जहाँ स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, वहीं पे स्पोर्ट्स की भी और फिटनेस की भी बहुत आवश्यकता है। देखिए, ये जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस है, और इस कैंपस में हम लोग होलिस्टिक लिविंग, कैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेल बीइंग को ध्यान पे रखते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को ही हम उत्कृष्ट